Hello students, welcome to my class. In previous lecture, we have done the representation of irrational numbers on the number line. कि irrational numbers को number line के ऊपर कैसे represent करते हैं, जैसे √2 को कैसे करते हैं, √3 को कैसे करते हैं, ये मैंने अपने previous lecture में सारा आपको समझा दिया था. Now, अब हम करेंगे exercise 1.2. See at the question first. This is a true-false type questions. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. इसका आंसर ट्रू क्यों आएगा? बिकॉज रियल नंबर कंटेन बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और रैशनल भी आ जाते हैं. देखो, रियल नंबर के अंदर दोनों होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर है, तो यस. अगर ये पूछा है कि हर रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो उसका आंसर भी यस आएगा, इट इज अ ट्रू. सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. उन्होंने कहा है भी हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन के ऊपर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो नेचुरल नंबर का अंडर रूट होता है. ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सभी नेचुरल नंबर हैं. तो इनका रूट ही हमेशा जो है नंबर लाइन पे हम राइट कर सकते हैं. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. ये फॉल्स हैं क्योंकि सपोज कर लो हम -2 एग्जांपल लें, तो -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक नेगेटिव इंटीजर आ गया. तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, पर इसका जो इट इज़ अ नॉट अ स्केयर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, ना ही ये किसी नेचुरल नंबर का स्केयर रूट है. तो लेकिन हम इसको फिर भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर का स्केयर रूट ही जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, हम किसी और इंटीजर का भी जो स्केयर रूट है वो भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी एट द थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. हर एक रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है. तो ये तो जरूरी नहीं, क्योंकि रियल नंबर हमने क्या पढ़ा है कि इसमें रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं. तो ये क्या आ गया? फॉल्स आ गया. जैसे हमने 2 एग्जांपल लिया है, 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, वो इरेशनल नहीं है पर वो रियल नंबर भी है. ठीक है, तो रियल नंबर जरूरी नहीं कि इरेशनल हो, वो रैशनल भी हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ सी एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्केयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या जो स्केयर रूट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, देखो इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. तो हम उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्केयर रूट लें तो क्या वह इरेशनल नंबर होता है? नो. आप चेक कर सकते हो कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर रूट करें तो वो जरूरी नहीं कि इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है. इसको एक्सप्लेन हमने एक एग्जाम्पल से किया, जैसे मैंने √4 लिया है. ठीक है, √ के अंदर क्या लिया हमने? पॉजिटिव इंटीजर लिया. 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो मैंने √ के अंदर, स्केयर रूट के अंदर ले लिया इसको. तो इसका आप स्केयर रूट करोगे 2 × 2, अगर आपका पेयर बनता है तो आप उसका ये 2 जो है स्केयर रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 बन जाएगा. √4 का स्केयर रूट कितना होगा? 2 होगा. क्या 2 इरेशनल नंबर है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है. 2 इज एन रैशनल नंबर. 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है. 2 इज रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड? तो ये कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर का आप स्केयर रूट करो तो वो इरेशनल आए, वो रैशनल नंबर भी आ सकता है. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड, कि रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन. तो √5 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इन अर्लियर लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द √2, √3 को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद हम जो स्पिरल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे कि √3, जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पर, कि हमने यहाँ किया था √, पहले 2 को रिप्रेजेंट किया, फिर √3 बनाया, उसके आप √4 बनाओगे, √5 बनाओगे. एक तो आपका ये मेथड है कि आगे आगे वन नेक्स्ट आगे चलता रहेगा ये. ठीक है, एक और मेथड आप कर सकते हो कि जैसे √5 होता है वो किसका स्केयर होता है? 2 स्केयर प्लस 1 का स्केयर. ठीक है, 2 × 4, 1 × 1 का स्केयर किया, 1 आ गया, तो √5 बन जाता है. तो आप सीधा डायरेक्ट हम क्या लेंगे, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसके ऊपर हमने, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने 1 जो इंच के हैं, ठीक है, ये मार्क कर लिए पॉइंट्स 0, 1, 2, 3. ठीक है, इसको मैंने किस लेटर से नोट कर दिया? A, B, C. अब मैं जो डिस्टेंस है, अब मैं 1 इंच का नहीं लूँगी इधर से, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपका क्या ले लूँगी? 2 इंच का लूँगी.
ठीक है, तो मैं 2 इंच का ले रही हूँ ए एंड सी, और हम अब सी पॉइंट लेंगे। सी पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। डी की हेल्प से हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या लिया है, 2 इंच लिया है। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 बन जाता है ये। ठीक है, अब इस साइड से मैं जो इस पे आर्क लगाऊंगी वो 1 इंच रखी है मैंने, 1 यूनिट रखी है, तो 1 यूनिट की मैं आर्क लगा लूँगी। तो ये डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। आप अपने कंपस को, ठीक है, 1 यूनिट ओपन करके, 1 इंच ओपन करके आप ये मार्क लगा सकते हो। उसके बाद इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया डी है। ठीक है, अब मैं इन डी पॉइंट और ए को ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया इधर से, और इधर आपका हो गया 1 यूनिट। अब ये लेंथ कितनी है, हम इसको काउंट करके देखते हैं। ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में, ठीक है, अब ए डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही होता है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए डी कितनी है आपको पता करना है, ए डी को, सी डी आपके पास 1 है, 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, ए सी आपके पास 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएंगे। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 = 5, ए डी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा √5। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया, √5 आ गया। ठीक है, तो ये लेंथ आपकी √5 होगी। तो अब आप अपने कंपास के साथ ये डिस्टेंस √5 ये मेजर कर लोगे। आपने ए के ऊपर जो है कंपास रखनी है और डी तक आपने ओपन करना है इसको, ये √5 डिस्टेंस हो गया। और एक आपने सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, जो मैंने जो भी ये पॉइंट कट हो रहा है नंबर लाइन के ऊपर, इसको मैं ई पॉइंट मान लेती हूँ। और ये आपका कितना है, √5 है ये पॉइंट। अंडरस्टैंड, आप ऐसे ही √7 का कर सकते हो। √5 के बाद इसके ऊपर ही आप 90 डिग्री एंगल बना के, ठीक है, √7 आपका, √6 आ जाएगा, उसके बाद √7 आ जाएगा। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस जो है मैं उनकी पिक भेज रही हूँ, तो आपने वो क्वेश्चंस जो है ट्राई करनी है, और ये एक्सरसाइज आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करनी है। थैंक यू।